हेलो गाइस, वेलकम टू माइक्रोबियल माइंड। तो अभी हमने ऑटोक्लेव लगाई थी कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारी कुछ फंगल डिस्कार्ड से प्लेट्स थी, हमारी पेट्री प्लेट, और उन पर फंगस था, वो हमें डिस्कार्ड करना था, और उनको हमने पॉलीथिन में पैक करके अच्छे से लगाया। बाकी हमारी जो बोटल्स थी बोरोसिल की, हमने वो लगाई हुई है, बीकर्स वगैरह। और इसके साथ साथ हमने पीपीसीडी के लिए कुछ इक्विपमेंट किए थे, बट कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसमें डिस्कार्ड भी है, वो हमने कुकर में अलग से ऑटोक्लेव किए हैं। अब हम इस ऑटोक्लेव को, हमने जो टेम्परेचर दिया था वो 121 डिग्री सेल्सियस दिया था, और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद और 15 PSI पे हमने उसे करीबन 20 मिनट के लिए रखा है। उसके बाद हम इसको खोलते हैं और जो भी हमारे ऑटोक्लेव चीज़ें हो चुकी हैं उनको बाहर निकालते हैं। अभी हम बंद कर चुके हैं फिर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, हम जब मैंने इसको बंद कर दिया था, इसके बाद ये जो है बॉल, इससे मैंने इसकी पूरी की पूरी गैस रिलीज कर दी। गैस रिलीज करने के बाद जब मैं इन चीज़ों को निकाल लूँगा, क्योंकि मैंने इसमें जो डिस्कार्ड है वो भी लगाया हुआ है, तो वाटर अब क्या है, बेकार हो सकता है। तो वाटर को हम निकालने के लिए, जो नीचे वाला ये है, जब ये हो जाएगा पूरे सामान निकाल देंगे, तो इस वाटर को भी हम निकाल देंगे पूरा बाहर, और अगली बार कोई ऑटोक्लेव लगाएंगे तो दूसरी चीज़ों को लगाएंगे, मतलब नया फ्रेश वाटर भरेंगे। यहाँ देख सकते हैं, ये जो साइड की बोतल्स हैं ये हमने ऑटोक्लेव के लिए लगाई हुई हैं, और ये जो पैकेट्स हैं जो पॉलीथिन में, ये पूरे डिस्कार्ड के हैं, तो इनको हम एज इट इज़ ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद उठा के डिस्कार्ड में डाल देंगे। और ये जो बोतल्स हैं ये हमारी ऑटोक्लेव हैं, इस दो बोतल्स में हमने PDB बनाया हुआ है, और एक में PDB है और एक में PDB है, ओके, दोनों में PDB बनाया हुआ है, एक मैनुअली है और एक है और जो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था रेडी टू यूज़ वाला, वो बनाया 250 ml, वो हम कॉर्डिसेप के लिए उसे यूज़ करेंगे, और जिसके लिए हमने कल वो बोटल्स हमने जो वो की थी स्टेरिलाइज, उसमें से 10 बोटल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं वहाँ पे, ये 10 ऑलरेडी हो चुकी हैं, हम 10 आज फिर से लगाएंगे, और उसके बाद हम धीमे धीमे आपको ऐसे पूरा कॉर्डिसेप का प्रोडक्शन दिखाते रहेंगे वीडियोज़ के थ्रू। तो अब ये ठंडा हो रहा है, इसे बाहर निकाल के अपना आगे काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।